ये एक पेंसिल है इसको बार बार तराशना पड़ता है ताकि इसका सिक्का बने और इसे लिखा जा सके अगर पेंसिल के जज्बात हो इसकी फीलिंग्स हो तो इसको कितनी दर्द होती होगी ये इसको बार बार इतने ब्लेड के साथ घिस के जनाब शॉप करना पड़ता है लेकिन इन ऑर्डर टू तो बिकम ए यूजफुल पेंसिल ये तकलीफ़ ही आजमाइश इसके लिए ज़रूरी है ये कारामत पेंसिल तभी बनेगी जब इस मुसीबत से गुजरेगी और यही हाल इंसान का है ये मुसीबतें आजमाइशें तजर्बात ये तकालीफ ये हमारी वैल्यू बढ़ाते हैं इससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है इफ यू कैनोट बी यूज यू आर यूजलेस अगर आपको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो आप किस काम के ये कहते दुनिया मतलब की है वाकई मतलब की है लोग मतलब के लिए ही आपको फोन कर रहे हैं लोग मतलब के लिए ही आपसे मिल रहे हैं आप में मतलब है तो अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं आपको तो आपको क्या करना है अपनी जात में मतलब पैदा करें ना ट्रेनिंग करें मुख्तलि कोर्सेस करें डिग्री हासिल करें अपने अंदर ऐसी चमक पैदा करें कि लोग खुद आपकी तरफ खींचते हुए आएं और दूसरा सबक इस पेंसिल के आखिर में रबड़ भी लगा हुआ है रेजर है इसका मतलब यह है कि जो गलतियां आपने कर ली उनको मिटाया जा सकता है ऐसा ना करें कि कोई माजे की गलती है उसको ज़हन में बिठा लें बार-बार अपने आप को उसकी सज़ा देते रहें देखें अगर गलती से आप सीख लेते हैं तो वो गलती नहीं रहती वो सबक बन जाता है एक लेसन बन जाता है और ये अरेजर ये रबड़ एक और चीज़ हमें सिखाती है कि बचपन में तो पेंसिल थी ना उसके पीछे रबड़ लगा था गलती हो गई रबड़ से मिटा लिया जब बड़े हो जाते तो पेंसिल हट जाती है और पेन आ जाता है अब जो गलती आप करेंगे ना वो आसानी से मिटेगी नहीं बचपन की गलतियां माफ हो सकती हैं लेकिन बड़ी उम्र की गलतियां आसानी से माफ नहीं होती और सबसे अहम चीज पेंसिल ने हमें यह सिखाई कि असल चीज आपके अंदर होती है देखिए बच्चे कहते हैं ना पेंसिल कच्ची है या पक्की है वो लकड़ी को नहीं कह रहे होते वो अंदर सिक्के को कह रहे होते कि सिक्का कच्चा या पक्का है तो बंदा भी ऊपर से जैसा मर्जी नजर आए कच्चा या पक्का वो अंदर से ही होता है जब बॉक्सिंग का मैच होता है ना जोर से मुक्का पड़ता है बंदा नीचे गिर जाता है रेफरी ऊपर आकर हार का ऐलान नहीं करता कि तुम हार गए वो पूछता है गिरे हुए बंदे से उठना है या नहीं उठना अगर वो गिरा हुआ बंदा के जी मैंने नहीं उठना मुकाबला खत्म अगर रुके मैंने उठना है मुकाबला दोबारा शुरू होता है जिंदगी भी ऐसी है गिरा देती है आपको लेकिन आप खुद अगर उठने से इनकार कर दे मुकाबला खत्म उठिए अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़िए और दोबारा मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए खुश अफराद और गमगीन अफराद उनमें फर्क यह नहीं होता कि नाखुश लोग जो है उनको टेंशन एंग्जाइटी है, है नफसयाती बीमारियां नहीं रिकवरी का फर्क है देखें पेन और दर्द हर एक की जिंदगी में आएगी जो खुश रहने वाले लोग हैं वो उस दर्द के पीरियड से जल्दी रिकवर हो जाते हैं और जो गमगीन रहते हैं उनकी रिकवरी दर हकीकत लेट हो रही होती है